देखिए, ये ज़मीन में से निकलता है और ज़मीन में से इसको निकाल के हमारे मजदूर निकाल के और इस मशीन में डाल के, और यहाँ से आप बेल्ट देख रहे होंगे, ये जो आपको बेल्ट दिख रहा होगा पूरा, इस बेल्ट के द्वारा इस माल को ऊपर लेके जाया जाता है और उसी की वजह से ये पूरा मटेरियल बनता है फिर। तो हेलो मेरी छोटी सी फैमिली, आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे गाइज। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइज। तो गाइज आज आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मल मिट्टी का बनाया जाता है सीमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, नॉर्मल मिट्टी का सीमेंट बनाया जाता है। और तो सीमेंट जो अपने पाइप वगैरह होते हैं उनको जॉइंट करने में काम आता है, जो ट्यूबवेल वगैरह होती है उसमें काम लिया जाता है, और कहां कहां इस सीमेंट को काम लिया जाता है सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और सारी फैक्ट्री दिखाऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर के आ रहे हो भाई लोग, आप ही का चैनल है, बस आपका भाई आपके लिए छोटी मोटी मेहनत करते रहता है ताकि अपने भाई लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन होने चाहिए। तो लाल बटन को उड़ा दो, ठीक है? चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज फाइनली अपन लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और फैक्ट्री के लिए निकल चुके हैं। तो बस वीडियो में आप एंजॉय कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज फाइनली उस फैक्ट्री में अपन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काम बिल्कुल बंद पड़ा है, यहाँ पे काम चालू नहीं है, मज़दूर कोविड की वजह से नहीं आ रहे तो इसीलिए काम यहाँ पे बंद पड़ा है। तो चलिए फिर अगर आ ही गए हैं तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं और डिटेल्स बताते हैं। चलिए, जो ज़मीन में से जो पत्थर निकलते खड़ी निकलती है उसी का पाउडर बनाया जाता है, तो ये उसी की फैक्ट्री आप देख सकते हो, कितने बड़े बड़े ये गोले वाले आप देख लो, कितनी शानदार मशीन है। अभी तो हाल फिलहाल काम बंद पड़ा है और यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसको यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ये इसकी पूरी वायरिंग है, ये देख लो कितने बड़े बड़े पाइप हैं इसके पूरे, ये सारे पाइप हैं, ये सारी मशीनरी है, ये देख लो, ठीक है ना। और ये वो मेन मशीन जहाँ से अड़मे की या करे पाउडर अड़मीज बनाया करें, ये मेन मशीन है गाइज, इसमें ऑटोमेटिकली पाउडर बन जाता है। ये जो आप मशीन देख रहे हो ये मेन मशीन है, अंदर से कुछ ऐसी है ये, इसमें बेल्ट भी लगे हुए, रबड़ के बेल्ट है, जो ये बेल्ट के द्वारा मोटर लगी हुई है घूमते हैं मोटर से कुछ इस टाइप से। ये क्या है भैया, क्या है? ग्रीस, अच्छा ग्रीस डालने वाला, अच्छा अगर ग्रीसिंग करनी हो तो, अच्छा तो गाइज ये ग्रीसिंग वाला है, अपने को तो इतना पता नहीं, भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि इससे ग्रीसिंग होती है मशीन के अंदर, अंदर की तरफ से तो ग्रीसिंग की जाती है। और ये वो पूरी मशीन है। और तो भैया ये क्या है जो ये लगा हुए, मतलब कपड़े के पाइप टाइप ये बने हुए, हवा लेने के लिए, एयर लेने के लिए, अच्छा अच्छा सांस लेने के लिए। तो गाइस ये एयर लेने के लिए, जिसकी वजह से मशीन को सांस मिलती है और उसी की वजह से काम हो पाता है। और नीचे से भैया ये वाला, अच्छा पाउडर निकलता है, हाँ अच्छा। आपका नाम बताओ कि भैया आपका नाम क्या है? अच्छा आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो भैया? एक महीने हुआ है, चलो कोई बात नहीं। और भैया ये कट्टे बता सकते हो किस चीज़ के, ये इसमें क्या माल है करके आप थोड़ा बता दोगे हमारे व्यूअर्स को, क्या चीज़ है ये? अच्छा ये किस चीज़ का पाउडर है, ये क्या काम आता भैया? ये भी हमारे तो ट्यूबवेल में काम आता है। अच्छा ट्यूबवेल में काम आता है, तो गाइज ये ट्यूबवेल में काम आता है, जो पाइप्स वगैरह होते हैं ना उनको पैकिंग करने में ये पाउडर काम आ रहा है, ये बता रहे भैया कि उधर ये काम आता है पाउडर ज़्यादातर। और ये सारे यहाँ पे
इन कट्टों की थप्पी लगी हुई है, आप देख लो आराम से, ठीक है ना, ये सारी थप्पी लगी हुई है और ये इसी में काम आते हैं। और ये काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है और यहाँ पे काफ़ी मजदूर काम कर रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल फैक्ट्री बंद पड़ी है गाइस, ठीक है ना, हाल फिलहाल फैक्ट्री बंद पड़ी है। यहाँ पे ये सारा माल पड़ा है यहाँ पे, जो मजदूर इन्होंने मेहनत कर करके यहाँ पे सारे ये कट्टे भर के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, ये पूरी फैक्ट्री है और ये सारे कट्टे हैं यहाँ पे पड़े, सारे कट्टे, सारों में एक ही माल है ये। उन भैया ने बताया कि ये टू बेल में काम आता है, पाइपिंग में काम आता है, उसको पैकिंग करने के लिए उस जगह पे ये सारा काम आता है, ठीक है ना। तो ये वो सारी पूरी फैक्ट्री है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माल है वो किस चीज़ के बनता है, किस चीज़ से बनता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये माल किस चीज़ से बनता है। यही है शायद, ये वो मिट्टी दिख रही होगी, ठीक है ना, इससे इतना चिकना पाउडर बनाया जाता है। मैं आपको कुछ बड़े पार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ज़मीन में से निकलता है और ज़मीन में से इसको निकाल के हमारे मजदूर निकाल के और इस मशीन में डाल के, और यहाँ से आप बेल्ट देख रहे होंगे, ये जो आपको बेल्ट दिख रहा होगा पूरा, इस बेल्ट के द्वारा इस माल को ऊपर लेके जाया जाता है और उसी की वजह से ये पूरा मटेरियल बनता है। फिर पूरा मटेरियल, ये जो बेल्ट है, ये माल ऊपर लेके जाते हैं और धीरे धीरे इस मशीन में जाके पाउडर बनता है उसका ही, धीरे धीरे पाउडर बनाया जाता है। अभी तो काम बंद पड़ा हाल फिलहाल, पर बहुत जल्द काम स्टार्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये फैक्ट्री काफ़ी पुरानी है, तो काफ़ी साल पुरानी है गाइस ये फैक्ट्री, और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल तो काम बंद पड़ा है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा यहाँ पे काम, बहुत जल्दी। और ये हमारे सेठ जी, जो इन्हीं की फैक्ट्री है ये, और इन्होंने, इनसे ही हमने इजाज़त लेके, इनको पूछ के ही हमने ये वीडियो बनाने की, मतलब कि पूछा भाई हम बनाए कि नहीं बनाए, तो इन्होंने बोला कोई बात है आप बना लो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। तो एक छोटा सा यही सा इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो मैंने आपको देने की कोशिश की कि किस तरह से, मतलब ज़मीन में से हमारे मजदूर भाई इन मिट्टियों को निकाल के इसका पाउडर बनाया जाता है और फिर ट्यूबवेल में इन पाउडरों को काम में लिया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए आप देख रहे हो ना पाउडर, ये पाउडर को ट्यूबवेल में काम लिया जाता है, पाइपिंग में काम लिया जाता है, तो उसी प्रकार से ये पाउडर उधर काम आता है। तो ये पूरी फैक्ट्री है आप देख लो, ठीक है ना, ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। और दुआ करते ऊपर वाले से बहुत जल्दी यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो जाए और हमारे मजदूर भाई जल्द से जल्द यहाँ पे काम करने लगे, ठीक है ना। गाइस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।